ओम शांति। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक बार एक विलक्षण घटना घटी। वो प्रयोगशाला जहर की प्रयोगशाला थी, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइजन जहर थे और उन पर संशोधन हो रहा था। अचानक एक दिन देखा गया कि वहां पर बहुत सारे चूहे आ गए हैं, क्या किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यहां का जहर इन चूहों को खिलाया जाए ताकि ये सारे चूहे मर जाए। जहर चूहों को खिलाया गया, परंतु चूहे जहर खाने के पहले ही आदि हो चुके थे, इसलिए कोई भी चूहा नहीं मरा। बहुत सोचा गया क्या किया जाए। किसी ने कहा कि वही चूहे पकड़ने की पुरानी तरकीब इख्तियार की जाए, माउस ट्रैप, चूहों का वो जाल। तो ऐसे बहुत सारे जाल लाए गए जिस पर रोटी, चीज, ब्रेड के टुकड़े जिसके अंदर रखे गए, परंतु कोई भी चूहा उस जाल के अंदर आने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सारा समय जहर खाने में ही लगे हुए थे, जहर ही उनका भोजन था। क्या किया जाए? और सोचा गया और किसी ने कहा क्यों ना उन रोटी के टुकड़ों पर, उन ब्रेड के टुकड़ों पर जहर की परत लगाई जाए और फिर धीरे धीरे ऐसा किया गया और सारे चूहे जाल के अंदर फंस गए। सत्य घटना है, परंतु ऐसा प्रयोग हुआ कि चूहे सारे के सारे जाल के अंदर आ गए और तब आए जब रोटी में, ब्रेड के टुकड़ों पर जहर की परतें थी। मनुष्य की दशा भी करीब करीब ऐसी ही है। उसे निःशब्द की ओर ले जाना हो तो भी शब्दों की परत लगानी होती है, उसे निराकार की ओर ले जाना है तो भी आकार की परत लगानी होती है, क्योंकि मनुष्य शब्दों का, वाचा का, बोल का इतना आदि हो चुका है कि उसे सीधा निःशब्द में, निस्तब्द में, साइलेंस में, साउंडलेस में नहीं लिया जा सकता। आज सुबह की अव्यक्त मुरली में सुंदर वाक्य है, पॉइंट्स की चटा बेटी में नहीं जाओ, साइलेंस का वातावरण हो। 84 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बाबा इशारे दे रहे हैं, जो आत्माएं यहां आएगी उन्हें अनुभूति हो। अनुभूति कराने का माध्यम शब्द होंगे, परंतु शब्द में वो खो ना जाए, बोलते बोलते बीच बीच में उनको अनुभव कराओ। यदि भाषण देने का लक्ष्य होगा तो पॉइंट्स याद आएगी, परंतु यदि बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य होगा तो तुम में वो दिखाई देगा। आत्माएं ऐसा महसूस करेगी जैसे कोई आसमान से सितारा उतरकर नीचे धरा पर आया है। शब्द है
परंतु शब्दों में वो सामर्थ्य होगा जो आवाज से परे ले जाए। शब्द होंगे परंतु निःशब्द के और आत्माएं आकर्षित होगी। अनुभव होगा ईश्वर का स्थान है, अनुभव होगा ईश्वर का रास्ता है, अनुभव होगा ईश्वर का कार्य है, अनुभव होगा ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसी तैयारी करो, ऐसा मौन का वातावरण यहां हो, ऐसा दिव्यता का वातावरण यहां हो। क्या ऐसा वातावरण हमने बनाया है कि आत्माएं आए और उनको लगे कि ये कैसा मौन है, ये कैसा साइलेंस है यहां पर, और कैसे ये कार्य हो रहा है, और ये किसका कार्य है। हम उनकी व्यूज से, उनकी मतों से प्रभावित ना हो, वो हमारे मतों से, हमारे विचारों से, संकल्पों से, धारणाओं से ऐसे प्रभावित हो जाए कि बिना कुछ कहे ही, बिना उनसे बात किए ही तीर लग जाए। ऐसा जाल बिछाओ मौन का। परंतु चेतना अगर स्वयं शोरगुल में फंसी है, आंतरिक या बाह्य, यदि आत्मा स्वयं आवाज की उधेड़ बुन से बाहर नहीं निकल पा रही, उधेड़ना और फिर बुनना, बुनना और फिर उधेड़ना, इसी में लगी है। संसार को राह दिखाने वाले खुद ही यदि भटक गए हैं, परमात्मा की ओर ले जाने वाली आत्माएं यदि स्वयं ही अंदर से परमात्मा से दूर है, तो कैसे आत्माओं को वहां पहुंचाएंगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा कह रहे हैं, साइलेंस का वातावरण हो, मौन हो, आत्माओं को अनुभव कराओ। सुनाओ कम, अनुभव ज्यादा कराओ। सुनना कम चाहती है, अनुभव ज्यादा करना चाहती है। तो आज की मुरली बहुत सुंदर और बहुत गहरी मुरली, जिसका एक एक वाक्य महावाक्य, जिसका एक एक वाक्य आत्माओं की चेतनाओं को परिवर्तन करने वाला है। ये अव्यक्त वाणी है दिसंबर की 1 तारीख 83 वर्ष। तो इस मुरली से ऐसे हम, क्योंकि अंतिम मास है वर्ष का, मुरली हम पढ़ते हैं, परंतु यदि उस मुरली से हमने कुछ गृह कार्य नहीं निकाला, वो मुरली आई और मुरली चली गई, और कितनी मुरली आई और कितनी चली गई, तो हमारे अंदर कोई शायद परिवर्तन नहीं होगा। तो इस मुरली से ऐसे हम आज की तारीख में 12 होमवर्क कहो, गृह कार्य कहो, पुरुषार्थ के बिंदु कहो, ऐसी 12 बातें, 12 होमवर्क आज सुबह की अव्यक्त वाणी से निकालेंगे। एक हफ्ता तक, जब तक कि अगली अव्यक्त वाणी ना आ जाए, इन 12 बातों का हर दिन सुबह और शाम अभ्यास करेंगे। मुरली की शुरुआत में बाबा ने क्या कहा, कौन किसको देख रहा है, बाबा आज किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, सिकिलदे बच्चों को देख रहे हैं, स्वीट चिल्ड्रन को देख रहे हैं, स्वीट होम में देख रहे हैं, और स्वीटेस्ट बाप देख रहा है। सबसे पहला होमवर्क है, तुम बच्चे कहां आ गए, अपने घर या
दाता के दर पर. मधुबन दाता का दर है. जिस स्थान पर हम आए हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है. उस स्थान की महिमा को भूल नहीं जाना. गंगा किनारे रहने वाले, गंगा के तट पर रहने वाले शायद भूले हुए हैं. जो धाराएं बह रही है नदी में वो आत्मा को पावन करने वाली है. जो व्यक्त प्रवाह बह रहा है इस नदी में वो साधारण नहीं. तो सबसे पहला गृह कार्य है मधुबन. इस मधुबन में रहना है, केवल देह से नहीं मन से. और मधुबन केवल भौगोलिक ज्योग्राफिकल परिभाषा नहीं है मधुबन की. मधुबन विराट है, असीम है, अमाप है. मधुबन क्या है? मधुबन कौन है? मधुबन कैसा है? मन ही मन अगले एक हफ्ता तक इसका चिंतन करना है. मधुबन है क्या? इस जगह एक एक इमारत जो बनी है और उस एक एक इमारत का जो नाम है वो मधुबन है. वो मधुबन का नाम है. मधुबन तपस्या भूमि है. मधुबन तपोभूमि है. मधुबन तपश्चर्या भूमि है. मधुबन परमात्मा अवतरण भूमि है. मधुबन भगवान की कर्म भूमि है. ब्रह्मा की कर्म भूमि है. ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि है. मधुर भूमि है. मनोरंजन भूमि है. बेहद का क्लब है. बेहद का धोबी घाट है. बेहद का एयरपोर्ट है. परिवर्तन भूमि है. भगवान के कदम इस भूमि पर पड़े हैं. धन्य भव धन्य भाग्य वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा. मधुबन कुंजवन है, कुंज भवन है, निर्मल भवन है. मधुबन त्रिलोक है. त्रिलोक की भासना यहां आती है. मधुबन आनंद भवन है. मधुबन दिलवाड़ा है. मधुबन सच्चा सच्चा अचल घर है. मधुबन पांडव भवन है. मधुबन विशाल भवन है. मधुबन सुखधाम है. मधुबन ओम शांति भवन है. मधुबन शांति वन है. मधुबन ज्ञान मान सरोवर है. मधुबन संसार का ग्लोबल हॉस्पिटल है. मधुबन मनमोहिनी वन है. मधुबन एवर हेल्दी हॉस्पिटल है. मधुबन जगदम्बा भवन है. मधुबन सरस्वती भवन है. मधुबन महादानी भवन है. मधुबन वरदानी भवन है. मधुबन सच्चा सच्चा गौशाला, सच्चा सच्चा हरिद्वार है. मधुबन अलौकिक भूमि है. मधुबन त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है. मधुबन ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर है. मधुबन है क्या? केवल इसका चिंतन ही आत्मा को योग युक्त बना देगा. अगले एक हफ्ते तक इस कैंपस में घूमते हुए जब जब जहां जहां जो जो इमारत दिखे और जो जो नाम दिखे, त्रिलोक, वैकुंठ, प्रभु पसंद, प्रभु किरण, हर वो चीज मधुबन है. इस नाम में स्थित हो जाना, नाम के अर्थ में स्थित हो जाना, नाम के गुणार्थ में स्थित हो जाना योग है. मधुबन अंतिम हट्टी है. मधुबन स्वीट होम है. यही वो स्थान है. एक दिन सकल संसार जहां आएगा और हम उस स्थान पर है. मन से उन चार धाम की यात्रा करना, हर दिन हर पल हर समय निष्पल नित्य दिन
स्वयं को मधुबन निवासी समझना, मधुबन में स्थित रहना, क्योंकि मधुबन ब्राह्मणों का किला है और इस किले के अंदर जो रहता है विकर्म नहीं होगा, किले के बाहर और पाप चालू होगा। मधुबन शीश महल है, मधुबन जादू की नगरी है, यहां कोई छिप नहीं सकता, कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता। इंद्र सभा है, ट्रेनिंग सेंटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है विश्व का, डायमंड हॉल है विश्व का, डायमंड कॉटेज है विश्व का, और मैं वहां खड़ा हूं, मैं वहां बैठा हूं, मैं वहां आया हूं। इस नशे में स्वयं को स्थित करना ही भी एक योग है। दाता का घर है, तुम अपने घर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो। प्रकाश स्तंभ है मधुबन, शांति स्तंभ है मधुबन, ज्ञान स्तंभ है मधुबन, पवित्रता स्तंभ है मधुबन। अगले एक हफ्ते तक अपनी डायरी में मधुबन के नाम लिखते जाना, कम से कम 100। और घूमते फिरते चलते फिरते उन नामों में स्थित होते जाना, मैं यहां हूं, तो स्थिति ऊपर चली जाएगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, एक समय आएगा संसार की आत्माएं कहेगी, हम अपना शीश निकाल कर देते हैं, हमें मधुबन में आने दो। नहीं आने दिया जाएगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक समय आएगा जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, तब बाप क्या करेगा, तुम्हारी परिक्रमा करेगा। स्वयं चलता फिरता मधुबन बन जाना, मधुबन चलता फिरता म्यूजियम, मधुबन पीस पार्क है संसार का, मधुबन म्यूजियम है संसार का, अब्बा का घर है, संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ये पहला गृह कार्य। दूसरा, अधिकार की 3 लकीरें, भाग्य की 3 लकीरें। कौन कौन सी लकीरें थी वो? पहली सुख की, दूसरी शांति की, और तीसरी पवित्रता की। सुख की लकीर आज बाप दादा देख रहे हैं बच्चों के मस्तक पर कैसी है, गहरी है, स्पष्ट है। जिनकी ये लकीर गहरी है, जिनकी ये लकीर स्पष्ट है, जीवन में कितने भी दुख आ जाए, अशांति आ जाए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख शब्द से अविद्या होगी। चाहे कुछ भी हो रहा है, परंतु वह मीठा ड्रामा, वह हरेक पाठधारी, वाह। बाबा ने कहा है तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, जिससे दुख का अंधकार तुम दूर करते हो, ज्ञान का प्रकाश है, और दूसरा अधिकार, सुख का अधिकार है। इन 2 चीजों से तुम अंधकार को दूर करते हो, तकदीरवान हो, नंबर 1 हो। 1 की निशानी है विन, दुख कभी आ नहीं सकता। सुबह क्लास सुन रहे थे, जब बाबा ने ओम निवास बनाया था, उस ओम निवास उस स्कूल में एक बोर्ड लिखा था, उस बोर्ड में 3 लाइनें थी। पहली, रोना मना है। स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें रोना वर्जित है, मना है, टैबू, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। दूसरा, न दुख दो न दुख लो,
तीसरा संपूर्ण पवित्रता, ऐसा वो बोर्ड उस स्कूल में लगा हुआ था। योग की धूप से आंसू की टंकी को सुखा दो तो दुख की अविद्या, दुख के संसार से पार निकल जाना है और सुखों के संसार में रहना है। संसार चाहे कितना भी दुखी होता रहे परंतु हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम वो है कि जो बाप से सुख की किरणें लेकर संसार के दुख की किरणों को समाप्त करने वाले। हम सुखदाता है, सुख की अंजलि देने वाले हैं। इसके लिए हम दुखी नहीं हो सकते, कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। दुखी होना अर्थात बाप की श्रीमत का उल्लंघन, दुखी होना अर्थात पाप। क्यों दुखी है, क्या कारण है, किस गंगोत्री से दुख की गंगा बह रही है, उसका अनुसंधान करना है और उस गंगोत्री को नष्ट कर देना ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है संसार में जो अंधकार को नष्ट कर सकती है, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान को बढ़ाना है। एक शराबी किसी शराब खाने गया और उसे पता था कि मैं इतना पी लेता हूं कि आते समय अंधकार हो जाता है, फिर मेरा मुझे ही भरोसा नहीं, इसलिए अपने साथ एक लालटेन लेके जाता है ताकि आते समय जब अंधेरा हो जाएगा तो लालटेन मुझे प्रकाश दिखाएगा, मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। बहुत पीता है, अंधेरा हो जाता है, वापस आने को होता है, लालटेन हाथ में है परंतु कहीं लड़खड़ा रहा है, कभी ट्रक से टकरा रहा है, कभी नाली में गिर रहा है, कभी कहां तो कभी कहां, और फिर सुबह होते होते एक नाली में गिरा मिला तो किसी ने उसे घर पहुंचाया। सुबह उठ के उसने सोचा मेरे हाथ में तो लालटेन थी परंतु फिर मैं क्यों टकराया, क्यों ऐसा हुआ। शराब खाने का मालिक सुबह सुबह आता है, कहता है ये लो तुम्हारी लालटेन, तुम मेरे तोते का पिंजड़ा लेकर आ गए। लालटेन समझकर जिस प्रकाश को, मशाल को हम हाथ में लिए चल रहे हैं, कहीं उसको ये समझकर कि ये ज्ञान का प्रकाश है, ये ज्ञान की मशाल है, कहीं यही मुरली है, कहीं वो कुछ और तो नहीं। या फिर लालटेन है परंतु प्रकाश बुझ तो नहीं गया, मुरली है परंतु मनन नहीं, चिंतन नहीं, अध्ययन नहीं, तो वो बुझा हुआ ही प्रकाश है, दीपक है। ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान की रोशनी को, ज्ञान के आलोक को, ज्ञान की दिव्यता को स्वयं के अंदर बढ़ाना है। जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं हो सकता। अंधकार अभी है, दुख अभी है, आंसू अभी भी बह रहे, अंदर ही अंदर आत्मा तड़प रही है, दुखी है, भगवान को पा लिया, भगवान के घर में रह रही है, सब कुछ है परंतु फिर भी चेतना रो रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत से बुझने वाली है। आत्मा की प्यास केवल तीव्र और श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही बुझने वाली है। आत्मा की प्यास तभी बुझेगी जब वो श्रीमत पर है। जरा भी इधर उधर और असंतुष्टता और अतृप्ति और दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, परंतु मेरा रोए चुपके चुपके मेरा दर्द ना जाने कोए, यही अवस्था होगी, किसको बताए। कहीं वो रोने वाली मेरा मैं तो नहीं, पहली लकीर। दूसरी लकीर है शांति की। शांति जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान को पाकर, शांति के सागर को पाकर, शांति धाम का अनुभव जिसने किया है, वो सब कुछ करने के बाद भी यदि बीच बीच में अशांत है तो क्या कहेंगे। बाबा ने कहा है धर्म को ना छोड़ो, धरत परिय धर्म ना छोड़िए। जन्म सिद्ध अधिकार है, वर्षा लिया है तुमने सुख का, छोड़ नहीं सकते। जो तुम्हारी इस लकीर को मिटाने वाले आए वो बदल जाए, तुम ना बदलो, ये लकीर ना बदले। क्यों दुखी होता है और क्यों अशांत होता है मन, क्या कारण है? अतीत के कारण है, वर्तमान के कारण है, या भविष्य की चिंता, असुरक्षा है, फियर है, भय है, क्या है?
और क्यों है, संशोधन करना है, डायग्नोसिस करना है, कौन सा विकार है, खुद का डायग्नोसिस, विकारों का डायग्नोसिस, निर्ममता से और निर्दयता से, अपनी वासनाओं को प्रेम का नाम देना, प्रेम की संज्ञा देना बंद करना है, नाम मान शान की इच्छाओं को सेवाओं का नाम देना, निमित्त का नाम देना दंभ है, जो स्वयं को छल रहा है उसे कौन सुधारे। तीसरा है संपूर्ण पवित्रता, कल की साकार मूली, जो पवित्र नहीं वो काम के ही नहीं बेकार है, काम की वासना जहां अभी भी मन में आंदोलित होती है, देह खींचता है, और ब्रह्मचर्य का दिव्य तेज और रोज रगों में नहीं बह रहा है, ऐसों को बाबा कहते हैं बेकार है, बाप के काम के नहीं। चाहे बुद्धिमान कम हो चलेगा, परंतु पवित्र हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, प्यूरिटी की रॉयल्टी की पर्सनैलिटी, ये तीन लकीरें हैं। ये दूसरा होमवर्क, तीन लकीरें। तीसरा है सेल्फ चेकिंग, सेल्फ की चेकिंग, स्व की चेकिंग, स्वयं का अन्वेषण, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद खुद से क्वेश्चन करना, खुद खुद से बात करना, खुद खुद की चेकिंग करना कि हे मेरे मन, ये लकीर कहीं मिट तो नहीं रही, किस खुले वातायान से, किस झरोके से दुख की किरणें झुक के, दुख के झोंके आ रहे हैं, वो कौन सा मार्ग है। यदि इस हॉल में 40 खिड़कियां है, यदि डायमंड हॉल में 40 दरवाजे हैं, और बाहर बहुत तेज कितने हैं हमें पता नहीं एग्जैक्ट, पर जितने भी है, परंतु बाहर आंधी और तूफान चल रहा है और सारे दरवाजे बंद है, और एक ही दरवाजा हमने खुला रखा है और सोचा कि एक ही तो दरवाजा खुला है बाकी तो बंद है, तो क्या आंधी तूफान अंदर आएगा या नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि एक दरवाजा खुला रखा है, एक संबंध ऐसा बना रखा है जहां पर वासना उत्पन्न हो सकती है, एक संस्कार अभी भी ऐसा है दबा हुआ कि वो यदि निकल जाए तो सारी पवित्रता के भवन गारत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक आदत अभी भी ऐसी बना रखी है, चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो, कि जो पतन की गर्त में आत्मा को खींच कर ले जाती है, उस एक झरोके को, उस एक दरवाजे को अब तक बंद नहीं किया, अब समय है उसे भी बंद कर दो, नहीं तो ज्ञान और योग के बसाए हुआ यह शहर वासना की सुनामी बहा ले जाएगा। तीसरा है सेल्फ चेकिंग, देखना ये मैं हूं, जैसे बाहर वालों की, दूसरों की हम चेकिंग करते हैं और दूसरों को करेक्शन देते हैं, वैसे क्या हमने स्वयं को स्वयं से अलग कर स्वयं को करेक्शन दिए हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, इस भूमि में रहते हो और क्या कर रहे हो, आए किस लिए थे, कौन सी उमंगों के साथ बाबा के बने थे, कैसे संकल्प थे कि तपस्या करनी है, महान योगी बनना है, और यहां आए और कहां सेवाओं में सेवा करते करते खो गए, जबकि सेवा की परिभाषा बाबा ने दिया है, सेवा चालू होती है वैराग से, फिर त्याग, फिर तपस्या और फिर सेवा। जो सीधा सेवा कर रहा है और जहां त्याग नहीं और जहां तपस्या नहीं और जहां वैराग नहीं, वो सेवा दुख देगी। विश्व कल्याण का मार्ग विश्व घृणा से चालू होता है, घृणा अर्थात यहां के भोग, यहां के विलास, यहां की वासनाएं जो इसमें लिप्त है, और सीधा सेवा में उतर गया है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि सेवा में ही वैराग नष्ट भी हो जाएगा, फिर जो कुछ थोड़ा बहुत था।
धड़कता हुआ वैराग संसार से, त्याग तपस्या, ये तीन चीजें पहले उसके बाद सेवा। चीजों को बाईपास कर दिया और सेवा में उतर गए, वो सेवा हलचल उत्पन्न करेगी। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस हॉरिबल नाइट मेयर, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस हॉरिबल नाइट मेयर विथ इट्स चर्चेस एंड शिकैनरीज, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। मुझे घृणा है ऐसे संसार से जहां पर सब झूठ ही झूठ है, घृणा है ऐसे संसार से जहां लोग दिखाते कुछ है और है कुछ, चेहरे गोरे है और दिल खोटे है, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, जहां बाजार कर रहे हैं अध्यात्म का, स्वयं को योगी कहते हैं, स्वयं को महायोगी कहते हैं, परंतु अंदर ही अंदर विकार धक्के दे रहे हैं, दुस्वप्न है ऐसा संसार। सेवा की शुरुआत वैराग से होती है। तो चौथी पॉइंट, चौथा होमवर्क, सेल्फ चेकिंग। पांचवा, बाबा ने पूछा है, कहा है, क्या हरेक ऐसा समझता है कि संसार में सबसे सुखी मैं हूं? प्रश्न पूछा, क्या ऐसा है? और उत्तर बाबा ने स्वयं दिया, हां, हरेक समझता है कि संसार में सबसे सुखी मैं हूं। ये प्रश्न है हरेक स्वयं से पूछे, क्या यदि भगवान हाथ उठाने को कहे कि संसार में सबसे खुश कौन है, तो क्या मेरा हाथ सबसे ऊंचा उठेगा? सुंदर प्रश्न है कि क्या इस संसार में सबसे खुश मैं हूं? भगवान को पाने के बाद भी यदि खुश नहीं, तो क्या पाने के बाद आत्मा खुश होगी? पाया है परंतु भरा नहीं है उस सागर को, तो आत्मा दुखी रहेगी। क्यों नहीं भर पा रही, क्यों नहीं ये चिड़िया हप कर रही है उस सागर को? किसने बांधे हैं पंख, किसने काट दिए पंख, किसने बांधे हैं पैर, कौन से वो पिंजड़े हैं, कौन से वो डिजिटल पिंजड़े हैं, कौन से वो संबंधों के पिंजड़े हैं, कौन से वो देह के आकर्षण के पिंजड़े हैं, क्या है, कौन से अतीत के भोग की स्मृतियों के पिंजड़े हैं, अतीत की गलतियों के पश्चाताप के पिंजड़े हैं, भविष्य की चिंताओं के पिंजड़े हैं, क्या है? ढूंढना है स्वयं को, खोज करनी है खोए हुए मैं की। आए थे योगी बनने, कहीं भोग के रास्ते पर तो नहीं चल रहे? आए थे तपस्वी बनने, दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? छठवा या पांचवा, अटूट प्रेम किसका? बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम्हारा बाप से ज्यादा प्यार है या बाप का तुमसे ज्यादा प्यार है? अटूट प्रेम किसका? ये एक होमवर्क है, पूछना है स्वयं से कि मेरा बाबा से ज्यादा प्यार है या बाबा का मुझसे ज्यादा प्यार है। मुरली में भगवान अपनी निरंकारिता का प्रदर्शन कर रहा है कि बाप बच्चों को आगे रखते, बच्चे आगे बाप, आगे बाप पीछे। मेरा उससे कितना प्यार है, ये पांचवा पॉइंट, पांचवा होमवर्क। छठवा, अटूट प्यार की निशानी। बाबा ने कहा है, जो बच्चों का बाप से अटूट प्यार है, अटूट प्यार में जो समाये रहते हैं, उनकी निशानी है बाप और सेवा के अतिरिक्त तो उन्हें और कुछ भी याद नहीं आता है, और यही उनके लिए किला बन जाता है। केवल वही एक याद, केवल उसी की चिंता, केवल उसी का होना और केवल उसी का संदेश फैलाने की चिंता। दिन रात एक ही संकल्प कि उसको प्रत्यक्ष करना है। चक्रधारी बहन जी ने लिखा है अनुभव में कि भाई साहब जगदीश भाई जी बीमार थे, खटिया पर थे, और एक दिन देखा आंखों से आंसू हर रहे। पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मैं बाबा को
प्रत्यक्ष नहीं कर पाया वह आत्मा जिसने अपना सर्वस्व भगवान और भगवान के कार्य के प्रति लगा दिया वो कह रही है क्या ऐसा अटूट प्यार हमारा है या हम सोचते हैं मैंने क्या क्या कर दिया इतने सारे सेवा केंद्र इतने सारे स्टूडेंट्स और इतनी सारी ये जो सेवाएं मैंने की है कहीं इस अहंकार के अंधकार में तो नहीं हम जी रहे हैं किसी चिपकली को उसके साथियों ने कहा चलो हमारे साथ खेलने चलो उस चिपकली कहती है कि नहीं मैं कैसे आऊं यदि मैं चली गई तो ये जो सीलिंग है ये जो भवन है ये मैं ही तो इसको संभाल हुई हूं गिर जाएगा क्या कहेंगे उसको अंधकार एक मक्खी है जो बैलगाड़ी के पहिए पर है और सोचती है मैं कितना धुआं उठा रही हूं शायद मैं बहुत बड़ी होंगी मेरे वजह से कितना धुआं उठ रहा है धुआं उसके वजह से नहीं उठ रहा है भ्रम है कि मैं कर रहा हूं मेरे वजह से यह सब हो रहा है जानकी दादी ने एक बहुत बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था तीन चीजों का अंतर बताओ क्या बनना चाहते हो सेवाधारी बनना चाहते हो निमित्त बनना चाहते हो या कठपुतली आपका क्या उत्तर है तीन इन तीनों में से एक उत्तर दो क्या बनना चाहते हो सेवाधारी निमित्त या कठपुतली निमित्त चाकू भी है फल को काट रहा है निमित्त है काटने का परंतु उसमें भी मैं निमित्त हूं मुझे निमित्त बनाया गया है कठपुतली ब्राह्मण जीवन की अंतिम अवस्था है जिसमें सब कुछ उसके हाथ में है उसने छोड़ दिया तो गए यह भी भान नहीं कि मैं निमित्त हूं परंतु हां पहली शुरुआत है सेवाधारी से फिर निमित्त और फिर कठपुतली कठपुतली बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें मैं ही समाप्त हो गया मैं ही विलीन हो गया मैं ही कुछ हूं ही नहीं यह चेतना की शिखर है यह चेतना का शिखर है अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें मैं ये भी खो गया है तो ये छठवा होमवर्क सातवा आठवां और नौवां जगदीश भाई जी से मुलाकात उसमें से है पहला है बाप की प्रत्यक्षता का साधन है श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ सफलता है आप में बाप दिखाई दे हम सेवाएं कर रहे हैं परंतु हम ना दिखाई दे आत्माओं को वो दिखाई दे जैसे कोई एक शक्ति बोल रही है हम नहीं बोल रहे हैं हम तो केवल नल है टंकी ऊपर है पानी बह रहा है अपने आप बहेगा बुलाना नहीं पड़ेगा केवल स्वयं को पात्र बना देना है पात्र जब आत्मा बन जाएगी तो शब्द स्वयं फूटेंगे पात्र जब आत्मा बन जाएगी तो सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोला जाए क्या कहा जाए क्या इसे समझाया जाए आत्मा आएगी और देखेगी और परिवर्तित होगी महाराष्ट्र में एक संत हुए थे कभी संत ज्ञानेश्वर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा ज्ञानेश्वरी शुरुआत में आह्वान किया है परम ज्ञान का आह्वान ये मराठी चिया माहुली नगरी ब्रह्म विद्येचा सुगाड करी घेणे देणे तुझसी वरी ओ देही या जगा आह्वान कर रहे हे परम ज्ञान मराठी की इस नगरी में तू प्रवेश कर मैं निमित्त बनूं सुख का ये जो ज्ञान है ब्रह्म विद्येचा सुगाड करी घेणे देणे तुझसी वरी ओ देही या जगा इस संसार को देने के लिए सातवा श्रेष्ठ सफलता का साधन है हम में वो दिखे आठवा सूक्ष्म प्यार की पालना
विदेशियों से, विदेश की यात्रा कर कर लौटे हैं भाई साहब, बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म प्यार की पालना ही है जिनको विदेशियों ने क्या कराया, उन विदेशियों से दूसरा कल्चर, दूसरा संस्कृति, दूसरी भाषा, दूसरी रहन सहन, सब कुछ उन्होंने तीव्र गति से परिवर्तन कर दिया। ये सूक्ष्म प्यार, ये परमात्मा प्रेम ही उनको चला रहा है। क्या मैं वो पालना ले रहा हूं जो भगवान इस समय दे रहा है, और क्या मैं वो पालना दूसरों को दे रहा हूं? सूक्ष्म प्रेम की पालना परमात्मा की। चेक करना है स्वयं को, मैं कितनी ले रहा हूं और कितना दे रहा हूं। घेणे देणे तुझची वरी, ओ देही या जगा। देना है। नौवा है ज्ञान की गहराई। जगदीश भाई से बात चल रही है, बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान की गहराई है जिससे तीन चीजें हुई है, एक खुशी, दूसरा सेंटर खुले। ज्ञान की गहराई से खुशी होती है, ज्ञान की गहराई से ही आत्माएं निमित्त बनी है जो जहां आप गए, और जो ज्ञान की गहराई आपने उनको सुनाई उस वजह से उन आत्माओं ने अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी बड़े हुए, अभी अभी सेंटर खोले। और तीसरा माइंड शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने, माइंड तैयार होंगे, अव्यक्त महावाक्य बाबा के। विचार करना, सोचना अर्थात तैरना, मनन करना, चिंतन करना अर्थात डूबना। तो क्या करना है, तैरना है या डूबना है? डूब जाओ, अनंत का सागर है, डूबोगे नहीं, मरोगे नहीं। मरो तो भी अहोभाग्य, मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। इस सागर में डूब जाना है। संसार विलासिता के सागर में डूबा हुआ है, हम अनंत के सागर में डूबे। संसार अपवित्रता के सागर में डूबा है, हम पवित्रता के सागर में डूबे। संसार भोग के सागर में डूबा है, हम तपस्या के सागर में डूबे। इस सागर में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि हम वो बन जाए। काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयमेव पांडुरंग। भक्त लिखता है, कहता है कि मैं और वो अब एक हो गया हूं, हम दोनों अलग अलग नहीं रहे, खुद ही मैं गोपी वल्लभ बन चुका हूं। नौवा होमवर्क है ज्ञान की गहराई में जाना है। ज्ञान को ऊपर ऊपर से समझना भी अपराध है, जबकि वो कह रहा है समझो इसे, डूब जाओ इसमें, शब्द शब्द का अर्थ समझो। ये हो गए नौ, दसवां और ग्यारहवां दीदी दादी से मुलाकात है। बहुत सुंदर मनोविज्ञान की एक बात, साइकोलॉजी की बात यहां आई है। दीदी और दादी, दीदी के विषय में दादी से और जानकी दादी से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप दोनों में वो दिखाई देती है। बाबा ने कहा आप दोनों बाप समान हो, बड़ी दादी और जानकी दादी। बाप समान हो बनना नहीं है, हो है ही बाप समान, बनना नहीं है, हो ही। सुंदर संकल्प है कि मैं हूं ही, बनना नहीं है। हूं ही अर्थात वो विजन क्रिएट हो गया, विजुलाइजेशन हो गया, अंतर मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया। अब केवल बाहर की परिस्थितियां कॉन्स्पायर करेगी, बाहर की परिस्थितियां षड्यंत्र करेगी तुम्हारे उस स्वप्न को साकार करने की। द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक यूर ड्रीम कम ट्रू। जो देखा, जो सोचा, जो मान लिया अंतर मन ने, कायनात पूरी विवश होगी वो साकार करने में। ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं हूं बाप समान, बनना नहीं है, हूं ही। ग्यारहवा होमवर्क, बारहवा, दसवा, ग्यारहवा। और एक सुंदर बात यहां पर बाबा ने कही है दादियों के लिए, दोनों दादियों के लिए, माध्यम हो बाप का। उदाहरण दिया, जैसे बाबा ने ब्रह्मा को, साकार को माध्यम बनाया, वैसे बाप ने तुम्हें माध्यम बनाया है सेवा का। बाप का माध्यम बन जाना, वो इंस्ट्रूमेंट बन जाना, कूट कूट कर अपने अंदर इंस्ट्रूमेंट को बिठाना है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं,
मैं माध्यम हूं, मुझसे वो दिखाई दे, मैं नहीं, आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म, मैं वो आवाज हूं, केवल एक बांसुरी हूं। उसने अपने अधर इस बांसुरी पर रखे हर जो संगीत गूंज रहा है वो इसका नहीं उसका है। जो मेलोडी, जो एक्स्टेसी, जो रैप्चर गूंज रहा है वो मेरा नहीं उसका। फिर काहे का अहंकार, वो चाहे तो अपनी बांसुरी बदल भी सकता है। मुझे निमित्त बनाया है इस डिपार्टमेंट के लिए, इस सेवा के लिए, इस सेंटर के लिए, इस घर के लिए, वो चाहता तो किसी और को भी बना सकता था, परंतु उसने मुझे बनाया, धन्यवाद उसका। लास्ट 12th होमवर्क, जहां से हमने इस क्लास की शुरुआत की थी, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बाबा ने कहा साइलेंस का वातावरण हो, पहले आंतरिक मौन हो फिर बाह्य मौन होगा, पहले आंतरिक क्रांति हो फिर बाहर क्रांति होगी, मौन की क्रांति। आत्मा आए और कहे ये ईश्वर का स्थान है, हम कहे नहीं ये भगवान का स्थान है, हम नहीं कहे उनको कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, शायद ब्रह्मचर्य परिणाम होगा उनके अनुभव का, शायद ब्रह्मचर्य परिणाम होगा उनके हृदय में जो परमात्मा प्रेम प्रकट हो जाए उसका, शायद ब्रह्मचर्य परिणाम होगा अनुभव का, ब्रह्मचर्य साधना नहीं होगी, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस नहीं होगी, ब्रह्मचर्य शुरुआत नहीं होगी, इंस्ट्रक्शन नहीं होगा आज से ब्रह्मचारी रहना है, ये नहीं होगा, वो परिणाम होगा, परिणीति होगी यहां आने के अनुभव की। और जब ऐसा परिणाम के रूप में ब्रह्मचर्य घटित होगा तब आत्माएं भगवान को नहीं छोड़ेगी कभी। भीष्म प्रतिज्ञा स्वतः ही ली जाएगी, कोई आके कहेगा नहीं कि इतने वर्ष पवित्र रहो फिर भगवान से मिलने के लिए तुमको लाया जाएगा। डर जाते हैं बेचारे, 7 दिन का कोर्स हुआ और उनको बताया प्यूरिटी की धारणा करो, डरते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें योग इतना सिखा दिया जाए, इतना योग सिखा दिया जाए, इतना प्रभु प्रेम उनके मन मंदिर में प्रकट कर दिया जाए कि प्यूरिटी जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, तो सभी अब अलर्ट होके बैठ जाएंगे। 12 की 12 पॉइंट्स, एक 2-3 मिनट की ड्रिल से हम अभ्यास करेंगे। विशुद्ध संस्कृति का द्वीप, मधुवन पावन भूमि में शांति धाम का प्रतिबिंब, शांति वन में संपूर्ण मौन और अलौकिक वातावरण में चेतना की दिव्य किरण, मैं हूं। इस तन से उड़कर सूक्ष्म वतन में हूं, अव्यक्त बाप दादा सम्मुख मस्तक पर बाबा 3 लकीरें खींच रहे हैं, सुख की, शांति की, संपूर्ण पवित्रता की, स्पष्ट और गहरी लकीरें, गहन अनुभूति। सूक्ष्म वतन में स्वयं को देखता हूं,
कैसी है ये लकीरें? खंडित तो नहीं हो रहा है, कितनी गहरी है, कौन भंग कर रहा है पवित्रता को? सेल्फ चेकिंग, भगवान की अव्यक्त आवाज सुनाई दे रही है, बच्चे इस संसार में सबसे खुश तुम हो। बाप दादा की आंखों से अटूट प्रेम की किरणें प्रवाहित आत्मा में समा रही है, डूबा जा रहा हूं प्रभु प्रेम में। किसका प्रेम अधिक है, उसकी नीली नीली गीली गीली दिव्य आंखें, आसमान जिसमें समाया है, अटूट प्रेम का अनुभव। बाबा वरदान दे रहे हैं, एक बाप और सेवा के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ याद न रहे। बाबा अपने हाथों से अब तिलक दे रहे हैं सफलता का, आपने बाप दिखाई दे श्रेष्ठ सफलता प्रत्यक्षता का साधन। सूक्ष्म प्यार की पालना का अनुभव हो रहा है, बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथों में ले लिया, ज्ञान के प्रकंपन, ज्ञान की गहराई, ज्ञान सूर्य का सारा ज्ञान मुझ में बह रहा है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, तुम बाप समान हो ही, बनना नहीं तुम हो ही। आज से माध्यम हो बाप के, मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं अपने कार्य क्षेत्र में, सेवा केंद्र पर, घर में, मधुबन में, साइलेंस का वातावरण, आत्माएं आ रही है, सेवाएं हो रही है, दिव्यता का अनुभव आत्माओं को, जैसे आसमान से सितारा उतरा है, ऐसी प्रतीति। ओम शांति। ऐसे संपूर्ण तकदीरवान आत्माओं को, ऐसे संपन्न अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को, ऐसे लकी और लवली आत्माओं को, ऐसे एक बाप के प्यार में समाये हुए आत्माओं को, ऐसे एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। एक भाग रह गया है सेवा, एक पैराग्राफ रह गया है मुरली से, जिसका रिवीजन कल सुबह पांडव भवन में होगा। ओम शांति।